हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का मेरा वीडियो होने वाला है फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट, जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो डाला था आपके लिए मंदिर वाला, तो उसी का सेकंड पार्ट मैं आगे दिखाना चाहूँगी आपको। तो प्लीज़ आप मंदिर का पूरा व्यू देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और बालाजी का वो विशाल मंदिर है, और इस मंदिर को दिखाने का मेरा उद्देश्य केवल ब्लॉग बनाना नहीं है, एक उद्देश्य ये भी था कि जो लोग एक्चुअली परेशान हैं अपनी लाइफ में, बहुत सी तकलीफें हैं उनकी लाइफ में, तो उन तकलीफ़ों को भी वो वहाँ जाके दूर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तकलीफ़ को दूर करने का कोई पैसा नहीं लगता है, कोई चार्ज नहीं लगता है। और वहाँ के जो गुरु जी हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, वो मानवता की भलाई करते हैं, इंसानों को मतलब ऐसे ही राय देते हैं जो उनके भले के लिए हो, ना कि उनकी कमाई करने के लिए। वो कोई भी चार्ज नहीं करते हैं, तो किसी को भी कोई तकलीफ़ हो तो उस मंदिर में जा सकता है। और किसी भी तरह की, जैसे लोग बालाजी मंदिर में जाते हैं अपनी बहुत सी तकलीफ़ों के लिए, कुछ लोग खाली दर्शन करने के लिए भी जाते हैं, तो हम लोग भी दर्शन करने गए थे। तो वहाँ जाके मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सी तकलीफ़ों को लेकर आए थे सभी लोग, और वो उनको तरह तरह की बातें बता रहे थे, लेकिन उसके लिए कोई भी वो पैसे नहीं ले रहे थे। और वैसे भी हम लोग जब किसी भी चीज़ से लाइफ में परेशान होते हैं तो कई जगह जाना शुरू कर देते हैं, कोई बताता है उस तांत्रिक के पास जाओ, कोई बता देता है उसे ओझा के पास जाओ, क्योंकि इंसान जब परेशान होता है तो वो कहीं भी चला जाता है, क्योंकि वो बहक जाता है परेशानी देखकर। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग किसी भी तांत्रिक ओझा के चक्कर में ना पड़ के केवल रियल जगह जाएं, जहाँ पर आपकी वास्तव में समस्या का हल हो, ना कि सिर्फ पैसे कमाई हो और आपकी स्थिति वहीं की वहीं बनी रहे। तो अगर आप किसी भी रूप में किसी भी तरीके से परेशान हैं तो आप एक बार उस मंदिर में जा सकते हैं, सिर्फ आपका जाने आने का ही खर्च होगा, बाकी वहाँ पर जाकर आपके कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। और आप वहाँ पर, आई होप आप वहाँ पर जाकर आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, और सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही मैं बोलना चाहूँगी। और आगे के वीडियो में आप उस मंदिर के अंदर का भी व्यू देख सकेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना। और आपको मंदिर कैसा लगा तो इस बारे में भी अपनी राय कमेंट में बताइएगा, और हो सकता है कि उनके दर्शन करने से ही कुछ तकलीफ़ें आपकी कम हो जाएं, और बाकी जिनकी तकलीफ़ें नहीं कम है और जो एक्चुअल लाइफ में अपने परेशान हैं, तो वो एक बार जाकर वहाँ पर ज़रूर देखें, हो सकता है उनकी लाइफ अच्छी हो जाए, पहले से बेटर हो जाए, क्योंकि जो भगवान का रियल दरबार होता है वही सबसे विश्वसनीय दरबार है। बाकी आप किसी तांत्रिक ओझा के चक्कर में पड़ के कोई भी खर्चा मत करना, अपनी लाइफ को बर्बाद मत करना, एक बार उस मंदिर में जाके ज़रूर देखना। और अगर कोई मुझसे पूछेगा कि वो कहाँ है क्या है, तभी मैं आपको बता दूँगी। और अगर कोई इस वीडियो में ना पूछना चाहे, प्राइवेसी रखना चाहे, तो वो लास्ट के वीडियो में कमेंट करके मुझसे जगह का नाम पूछ सकता है, तो मैं बता दूँगी। तो फिलहाल के लिए नेक्स्ट अब वीडियो आने वाला है, उस मंदिर के अंदर का भी आप लोगों को दिखाएंगे, तो वीडियो में प्लीज़ बने रहना और वीडियो पर स्किप मत करना, क्योंकि भगवान की बात है तो आप लोग उसे पूरा देख लेना। ओके, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे थे, वो पहुँच गए हैं। और वो देखिए, हम लोग मंदिर में तो आ चुके हैं और अभी दर्शन के लिए जाएंगे। अभी गौरी अपनी दादी के साथ गई है प्रसाद खरीदने, और यहाँ काफ़ी धूप है, मैं खड़ी हूँ पेड़ के नीचे, और यहाँ पर एक बाबा जी हैं जो गांव के हैं, वो कुछ बच्चों का सामान बेच रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपको मंदिर दिखा देते हैं।
फ्रेंड्स अब हम लोग जो है इसके एक बार चक्कर काटेंगे। सारे मंदिर घूम लिए हैं, बाय बाय। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं, बाय बाय बाय। और आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। बहुत धूप है वैसे तो यहाँ पे, आसपास कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा है। रोक लो थोड़ी देर, रोक लो। हम मम्मी कुछ कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, बस बाय 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 बाय। ठंडी आ रही है, बाय बाय। हम लोग अब चल रहे हैं। हाँ, एक थाली में रखी हुई है।